व्हाट्स अप गाइस, दिस इज आरएस की चार्ट और आज की इस वीडियो में मैं अपने सब्सक्राइबर के 8 रिव्यू करने वाला हूँ। सो यस गाइस, ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा लेट हुई है बिकॉज मैं कमीशन स्टार्ट में बिजी था, सो इसीलिए मैं ये वीडियो अपलोड नहीं कर पाया, सो उसके लिए सॉरी। और जैसा कि मैं आज की इस वीडियो में अपने सब्सक्राइबर के 8 रिव्यू करने वाला हूँ, सो उसमें मैं आपके जो 8वां मुझे आप सेंड किए हो, सो उसमें मैं कुछ कुछ आपको मिस्टेक्स बताने की कोशिश करूँगा, अपने जो मुझे एक्सपीरियंस है। सो बिकॉज मैं काफ़ी टाइम से स्केच करता आ रहा हूँ, सो मुझे कुछ कुछ जो एक्सपीरियंस हो चुके हैं, सो उसी एक्सपीरियंस से मैं आपको बताऊँगा कि आपने क्या क्या मिस्टेक्स किए हैं, बिकॉज मैं भी उतना परफेक्ट तो हूँ नहीं कि मैं आपके आर्टवर्क को जज कर सकूँ। सो यही कुछ है, सो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट, लेट्स डू। सो पहली आर्टवर्क जो मुझे मेरे सब्सक्राइबर के थ्रू सेंड किया गया है वो है हैरी पॉटर की ड्राइंग, जो आप देख सकते हो। ये रेफरेंस फोटो, ये पोर्ट्रेट सेंड किया गया है मुझे अंकित दे की तरफ से। तो आप देख सकते हो काफ़ी बढ़िया इन्होंने ड्रॉ किया, एंड जो इसमें थोड़ी सी मिस्टेक्स है जो कि इनकी आउटलाइन है। सो ये मतलब आप इनकी जो आउटलाइन है उस पर थोड़ी सी फोकस करो एंड आपकी पोर्ट्रेट सही हो जाएगी, एंड थोड़ी सी शेडिंग पे भी आप फोकस कर सकते हो, आप शेडिंग पे भी फोकस करो। सो आप देख सकते हो जो आपकी शेडिंग है वो थोड़ी सी मतलब फ्लैट टाइप की लग रही है, जो लाइट्स आपको देने हैं एंड जो डार्क वैल्यूज देने हैं वो आपने अच्छी तरीके से नहीं दिया है, एंड उसे आप अच्छी तरीके से करो एंड आपकी आर्टवर्क काफ़ी बढ़िया है। जो अंकित दे हैं उनका एक यूट्यूब चैनल भी है, सो आप देख सकते हो इनकी, अगर आप इनके जो यूट्यूब चैनल है उसे विजिट करना चाहते हो तो कर सकते हो। ये कुछ इन्होंने कुछ जो वीडियोज़ है वो अपलोड किए हैं। सो चलते हैं नेक्स्ट आर्टवर्क की ओर, एंड जो नेक्स्ट आर्टवर्क है वो रुपेश आर्ट क्रिएशन ने सेंड करा, एंड अगर मुझे नेम लेने में गलती हो जाए, दिक्कत है, तो उसके लिए सॉरी। सो इनका आर्टवर्क आप देख सकते हो, इनका भी आर्टवर्क जो है वो काफ़ी बढ़िया है, एंड इन्होंने जो आउटलाइन ड्रॉ किया है वो काफ़ी परफेक्ट है, परफेक्ट तो नहीं बोल सकते हैं बट काफ़ी अच्छी तरीके से इन्होंने ड्रॉ किया अपने आउटलाइन को। एंड अगर हम इनकी मिस्टेक्स की बात करें तो इन्होंने शेडिंग करने में काफ़ी मिस्टेक्स करे हैं, जो मतलब हाइलाइट्स वैल्यू हैं और जो डार्क वैल्यूज़ है उन्हें, वो वैल्यूज़ इन्होंने अच्छी तरीके से अचीव नहीं करी है। सो आप देख सकते हो जो मतलब इनकी जो फेस में शेडिंग है वो सारे इक्वल है, सो इस बात को आपको ध्यान रखनी है एंड अच्छी तरीके से शेडिंग करनी है। सो शेडिंग वाली वीडियो आप देख सकते हो मेरे चैनल पर, मैंने अपलोड किया है, सो कुछ इसी तरीके से। एंड आप हेयर में भी देख सकते हो जो डार्क वैल्यू सही है उस वैल्यूज़ को आप अच्छे तरीके से नहीं दिए हो, अदरवाइज आपकी आर्टवर्क काफ़ी बढ़िया है। तो अब आते हैं नेक्स्ट आर्टवर्क की ओर, और जो नेक्स्ट आर्टवर्क है वो सेंड किए हैं मुझे आर्टिस्टिक आर्ट ने, जो कि आप देख सकते हो ये वाली आर्टवर्क है, एंड इन्होंने काफ़ी डिटेल्ड आर्टवर्क चूज़ किया है, एंड आप देख सकते हो काफ़ी बढ़िया इन्होंने ड्रॉ किया है, एंड जो इनकी डिटेल्स है वो भी काफ़ी अच्छी तरीके से दी है, बट इनकी एक चीज़ मिस्टेक्स है, इन्होंने जो आउटलाइन भी क्रिएट किया वो भी काफ़ी बढ़िया है, एंड जो इनकी मिस्टेक्स है वो ये चीज़ है कि इन्होंने जो कलर मिक्सिंग है वो थोड़ी सी फ्लैट टाइप से करी है। सो आप जो कलर मिक्सिंग करते हो वो थोड़ी सी केयरफुली करो तो और भी अच्छा आप ड्रॉ कर पाओगे। सो बाय द वे, और मतलब जो आपकी आर्टवर्क है वो काफ़ी बढ़िया है। तो आर्टिस्टिक आर्ट है, इनकी भी एक यूट्यूब चैनल है, सो आप विजिट करना चाहो तो कर सकते हो। सो देख सकते हो इन्होंने भी अपने चैनल पे काफ़ी सारे वीडियोस अपलोड किए हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट आर्टवर्क की ओर, सो अगली आर्टवर्क है वो ये वाली है, एंड ये वाली आर्टवर्क को भी आप देख सकते हो काफ़ी बढ़िया ड्रॉ किया है इन्होंने, एंड इन जो वैल्यूज़ है, जो इन्हें वैल्यूज़ देने चाहिए वो भी काफ़ी अच्छी तरीके से दी है, एंड इनकी आउटलाइन भी काफ़ी बढ़िया बन पाई है। सो इन जो मिस्टेक्स किए हैं इन्होंने, इनका भी मिस्टेक कुछ सेम ही है, जो हाइलाइट्स देनी चाहिए एंड जो डार्क वैल्यूज़ है उन पे थोड़ी सी कम वर्क की है इन्होंने, तो उस पे थोड़ी सी वर्क को और ज़्यादा करो एंड आपकी ड्राइंग काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगी। सो आप देख सकते हो, आप ही अच्छी तरीके से ऑब्जर्व कर सकते हो, अगर आप इसकी जो रेफरेंस है उसमें ऑब्जर्व करोगे तो काफ़ी दिक्कत है, काफ़ी मिस्टेक्स मिलेगी आपको, जैसे आप डार्क वैल्यूज़ को देखो एंड लाइट वैल्यूज़ को देखो तो उसमें काफ़ी आपको डिफरेंट देखने को मिलेगी, अदरवाइज़ आपकी भी आर्टवर्क काफ़ी बढ़िया है, सो कीप इट अप। सो नेक्स्ट आर्टवर्क है देवेश पांडे की, जो कि ये वाली है, खेबिलेम की है। सो खेबिलेम की पोर्ट्रेट काफ़ी अच्छी ड्रॉ किया है इन्होंने, एंड जो एक्सप्रेशंस है वो भी काफ़ी अच्छी तरीके से, मतलब सारे चीज़ों पे काफ़ी अच्छी तरीके से वर्क किया इन्होंने, एंड इनकी जो ब्लेंडिंग है वो भी काफ़ी बढ़िया लग रही है मुझे। तो इन्होंने अपने आर्टवर्क पे थोड़ी सी मेजरमेंट पे वर्क नहीं किया है, सो उस पर आप थोड़ा सा फोकस करो, सो आपकी अभी आर्टवर्क काफ़ी अच्छी है, एंड काफ़ी अच्छा लगा मुझे आपका आर्टवर्क, सो कीप इट अप। एंड अब आते हैं नेक्स्ट आर्टवर्क की ओर, जो नेक्स्ट आर्टवर्क है वो है कीर्ति आर्ट्स की। सो कीर्ति आर्ट्स ने भी काफ़ी अच्छी ड्राइंग करी है, एंड इन्होंने भी काफ़ी डिटेल्ड वर्क चुना है,
जो कि एक ओल्ड मैन की आप देख सकते हो। सो इनकी भी आउटलाइन काफ़ी परफेक्ट बन रही है। एंड जो इन्होंने मिस्टेक्स करी है वो है शेडिंग में। सो इन्होंने अगर ये शेडिंग अच्छी तरीके से करेंगे तो आपकी जो ड्राइंग है वो काफ़ी मस्त लगेगी। सो आप थोड़ा सा वर्क करो, अपने शेडिंग को इम्प्रूव करो एंड थोड़ी सी प्रैक्टिस करो तो आप भी काफ़ी बढ़िया ड्रॉ कर पाओगे। बाय द वे काफ़ी मस्त है, सो कीप इट अप। एंड इनका भी एक यूट्यूब चैनल है, सो आप देख सकते हो इन्होंने भी काफ़ी वीडियोज़ डाले हुए हैं। सो आप चाहो तो इनके चैनल को विजिट कर सकते हो। एंड अगेन जो नेक्स्ट आर्टवर्क है वो आती है अक्षय कुमार आर्ट की तरफ से। सो उन्होंने ये कृष्ण जी की आर्टवर्क सेंड किया है। सो आप देख सकते हो काफ़ी बढ़िया, काफ़ी शानदार इन्होंने ड्रॉ किया है। एंड जो इनकी शेडिंग है वो भी काफ़ी बढ़िया है एंड आउटलाइन तो काफ़ी परफेक्ट ड्रॉ किया है इन्होंने। और जो इन्होंने थोड़ी सी डिटेल्ड वर्क चूज़ किया है, जो कि डिटेल्ड में थोड़ी सी इनकी प्रॉब्लम्स दिख रही है मुझे, तो आप डिटेल्स पे थोड़ी सी और पैसेंस दो एंड आप काफ़ी बढ़िया ड्रॉ कर पाओगे। सो चलते एंड बाय द वे काफ़ी बढ़िया आपने ड्रॉ किया है, कीप इट अप एंड प्रैक्टिस करो। सो चलिए नेक्स्ट आर्टवर्क की ओर। एंड ऑल्सो इनका भी एक यूट्यूब चैनल है, सो आप देख सकते हो इन्होंने भी अपने जो यूट्यूब चैनल है उन पे उस पे वीडियोज़ डाले हैं। सो अगर आप चाहते हो इनके चैनल को विजिट करना तो कर सकते हो। सो अब चलते हैं नेक्स्ट वीडियो की ओर। एंड नेक्स्ट वीडियो आई मीन नेक्स्ट पोर्ट्रेट डीपी स्केच आर्ट की तरफ से, जो कि इन्होंने इस वाली पोर्ट्रेट को ड्रॉ किया है। सो काफ़ी बढ़िया ड्रॉ किया है इन्होंने। सो अगर हम इनकी पोर्ट्रेट की बात करें तो इन्होंने मतलब मिस्टेक्स भी करे हैं, जो इनकी शेडिंग है सेम प्रॉब्लम सबकी निकल के आ रही है, जो शेडिंग है वो ठीक से नहीं कर पा रहे हैं। तो शेडिंग आप लेयरिंग बाय लेयरिंग स्टेप बाय स्टेप करो। सो बाय द वे मुझे लगता है कि इन्होंने चारकोल से ड्रॉ किया है, बट शायद कर सकते हैं। बट ये आर्टवर्क है वो भी काफ़ी बढ़िया है एंड आउटलाइन भी काफ़ी सही है। बस ये आप थोड़ा शेडिंग पे ध्यान दो एंड अदरवाइज आपकी आर्टवर्क काफ़ी बढ़िया है। सो एंड इनकी एक यूट्यूब चैनल भी है, आप देख सकते हो इन्होंने भी अपने चैनल पे काफ़ी सारे वीडियोज़ डाले हैं। सो आप चाहो तो विज़िट कर सकते हो एंड देख ही सकते हो, काफ़ी बढ़िया है। एंड जो नेक्स्ट आर्टवर्क आती है वो है विश आर्ट ने काफ़ी अच्छी ड्रॉ करी है, जो कि रश्मिका मंदाना का। सो इनकी जो शेडिंग है वो भी काफ़ी बढ़िया है एंड जो इनकी आउटलाइन है वो भी काफ़ी सही इन्होंने ड्रॉ किया है। सो इनकी मिस्टेक्स क्या आती है कि इन्होंने जो हाइलाइट्स वैल्यूज़ है वो भी फेस में काफ़ी अच्छी दी है, बट इनकी जो क्लोथ्स है उसमें इनकी पैसेंस ख़त्म हो चुकी थी। सो आप थोड़ा सा क्लोथ में भी फोकस करो एंड क्लोथ को भी सही से ड्रॉ करने की कोशिश करो। बाय द वे आपकी आर्टवर्क भी काफ़ी बढ़िया है। इनकी भी यूट्यूब चैनल है, सो देख सकते हो इन्होंने भी काफ़ी सारे वीडियोस डाले हैं, काफ़ी सारे ट्यूटोरियल डाले हैं। सो आप चेकआउट करना चाहते हो कर सकते हो। जो नेक्स्ट आर्टवर्क है वो है दुष्यंत वर्मा आर्ट की। सो आप देख सकते हो जो इनकी पोर्ट्रेट है काफ़ी नेक्स्ट लेवल ड्रॉ किया है भाई इन्होंने। सो आप देख सकते हो जो इन्होंने शेडिंग्स एंड बैकग्राउंड पे जो वर्क किया है काफ़ी नेक्स्ट लेवल लग रही है। एंड जो इन्होंने हाईलाइट्स पे जो डार्क वैल्यूज़ है एंड हाईलाइट्स वैल्यूज़ है उन पे जो वर्क किया है भाई क्या ही बताऊँ, काफ़ी शानदार ड्रॉ किया है इन्होंने। तो ऑल द बेस्ट। सो बाय द वे इन्होंने अपने यूट्यूब चैनल का लिंक मुझे सेंड नहीं किया है, बट इनकी जो यूट्यूब चैनल है वो है दुष्यंत वर्मा आर्ट से, तो अगर आप चाहो तो चेकआउट कर सकते हो। एंड अगली आर्टवर्क है वो है वम्पार्ट स्टूडियो की तरफ से। सो उन्होंने क्या बोलते हैं BTS आर्मी की कोई ग्रुप है, कोई कैरेक्टर है, सो मुझे आइडिया नहीं है। स्टिल इन्होंने काफ़ी बढ़िया ड्रॉ किया है एंड आप देख सकते हो जो हाइलाइट्स एंड शेडोज़ है वो भी काफ़ी बढ़िया इन्होंने दिया है। एंड बाय द वे इनकी जो आउटलाइन है वो भी काफ़ी परफेक्ट है, सो काफ़ी बढ़िया इन्होंने ड्रॉ किया है। सो अगर हम इनकी मिस्टेक्स की बात करें तो इन्होंने मिस्टेक्स ये किया है कि जो मतलब लाइंस होती है आउटलाइन होती है उसमें थोड़ी थोड़ी लाइंस दिख रही है, आप देख सकते हो जो यहाँ गर्दन के पास है वो थोड़ी सी लाइंस दिख रही है, तो उसमें आप शेडिंग करो। सो उसे थोड़ी सी जब आप ब्लर कर दोगे उसे शेडिंग कर दोगे तो वो लाइंस नहीं दिखेगी, तो आपकी पोर्ट्रेट्स और रियलिस्टिक लगेगी। बाय द वे काफ़ी बढ़िया आपने ड्रॉ किया है। सो चलिए नेक्स्ट आर्टवर्क की ओर चलते हैं। एंड अगेन जो नेक्स्ट आर्टवर्क आती है वो है मयंक गायकवाड़ आर्ट, जो कि इन्होंने काफ़ी नेक्स्ट लेवल करने की कोशिश करी है। सो इन्होंने ट्रिगर्ड इंसान की ड्राइंग ड्रॉ किया है, जो कि पेन से पेन का यूज़ करके इन्होंने ड्रॉ किया है। सो इनकी अगर हम मिस्टेक्स की बात करें तो इन्होंने तो जो आउटलाइंस है उसमें ही थोड़ी सी मिस्टेक्स करी है। एंड बाय द वे मैं क्या ही कहूँ, काफ़ी बढ़िया इन्होंने ड्रॉ किया है, सो कीप इट अप एंड वेल डन। इनकी एक यूट्यूब चैनल भी है जो कि आप देख सकते हो इन्होंने भी मतलब काफ़ी सारे वीडियोस अपलोड किया है अपने यूट्यूब चैनल पे। सो आप जाओ तो विज़िट कर सकते हो।
सो चलिए आते हैं नेक्स्ट आर्टवर्क की ओर। सो नेक्स्ट आर्टवर्क जो ड्रॉ किया है वो है आर्टिस्ट टेक्निक्स। सो इन्होंने अपने आर्टवर्क को ड्रॉ किया एंड मुझे सेंड किया है। सो ये भी एक BTS कैरेक्टर है, शायद जंगबुक मुझे लग रही है, बट क्या पता। बट इन्होंने मतलब कलरफुल ड्रॉ किया है। सो इन्होंने भी काफ़ी बढ़िया ड्रॉ करी है। सो इनकी आउटलाइन भी काफ़ी सही है एंड जो इन्होंने भी काफ़ी सही ड्रॉ किया है एंड जो इनकी थोड़ी सी कलर मिक्सिंग है वो भी काफ़ी बढ़िया करा इन्होंने। बट थोड़ी सी जो हाईलाइट्स वैल्यूज होती है ना उसमें थोड़ा सा कम वो किया इन्होंने। अदरवाइज आपकी कलर आपकी जो पेंटिंग है आपकी आर्टवर्क भी है वो काफ़ी शानदार है। सो चलते हैं अब नेक्स्ट आर्टवर्क की ओर। बाय द वे इनकी भी एक यूट्यूब चैनल है। सो उसे भी अगर आप विजिट करना चाहते हो तो कर सकते हो, ये भी अपने चैनल पर देख सकते हो, काफ़ी सारे वीडियोज़ अपलोड किए हैं। सो अब चलते हैं नेक्स्ट आर्टवर्क की ओर। और जो नेक्स्ट आर्टवर्क है वो सेंड किए हैं आर्यन मिश्रा ने। सो आर्यन मिश्रा ने इन जो आर्टवर्क मुझे सेंड किए हैं वो आप देख सकते हो, वो ये वाली है एंड इसकी रेफरेंस कुछ इस तरीके से है। सो अगर हम इसकी रेफरेंस से एंड इसे अगर कंपैरिजन करें तो आप देख सकते हो जो मतलब इनकी जो आउटलाइन है वो भी मतलब दिख रही है। सो उसे आप हल्के हाथों से जो इसकी आउटलाइन है उसे ड्रॉ करो एंड जो आप लिप्स में देख रहे हो उसमें भी आपकी लाइंस है वो दिख रही है एंड आपकी जो शेडिंग है उस पर थोड़ा सा फोकस करो। सो एंड अदरवाइज आपकी जो स्केच है वो काफ़ी शानदार है। सो कीप इट अप एंड ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहो, आप भी एक दिन काफ़ी बढ़िया ड्रॉ करोगे। सो चलिए बाय द वे इनकी भी एक यूट्यूब चैनल है। तो इन्होंने भी अपने इनकी भी एक यूट्यूब चैनल है। सो आप देख सकते हो इन्होंने काफ़ी सारे वीडियोज़ अपलोड किए हैं। सो आप चेकआउट करना चाहो तो कर सकते हो। सो काफ़ी बढ़िया है इनका भी यूट्यूब चैनल। सो आप देख सकते हो नेक्स्ट आर्टवर्क है वो है रेनबो कलर की, जो कि इन्होंने ये वाली आर्टवर्क ड्रॉ करी है पेंटिंग करी है। तो ये भी काफ़ी बढ़िया लगा मुझे। सो इनकी भी जो हाईलाइट्स वैल्यूज़ है वो इन्होंने अच्छी तरीके से नहीं दी है। तो आप देख सकते हो इनकी जो आर्टवर्क है थोड़ी सी फ्लैट टाइप की लग रही है। सो अदरवाइज अगर इन्होंने अगर अपने आर्टवर्क को जो हाईलाइट्स वैल्यूज है उस पर थोड़ी सी फोकस करी तो इनकी आर्टवर्क है काफ़ी शानदार लगेगी। सो बाय द वे आपकी आर्टवर्क भी काफ़ी बढ़िया है। सो इस वीडियो में कुछ इतना ही था, होपफुली कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, हेल्पफुल लगा होगा। सो वीडियो करिए लाइक, अगर हेल्पफुल लगा तो वीडियो करिए लाइक एंड चैनल पर न तो चैनल करिए सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, डू प्रैक्टिस डू लर्न। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।